तो क्या तुम रेडी हो अपना मार्क देखने के लिए? हाँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मार्क का कलर देखने के लिए। ओके, 3, 2, 1। ब्लू मार्क? तुम्हें ब्लू मिला है? ब्लू? ब्लू का मतलब क्या होता है? ये तो बहुत बुरा है। जल्दी से अपना मार्क छिपाओ। रिंकी, जल्दी से अपना मार्क छिपाओ। छिपा दूं? ओह गॉड, मैंने जितना बोला उतना करो जल्दी। ठीक है, रुको तो। थैंक गॉड मेरे पास थोड़ा सा कंसीलर था, ये भी खत्म होने वाला था। रिया देखो, पता चल रहा है? बिल्कुल नहीं। ठीक है। हे गाइस। हाय रिंकी, तुम्हें तुम्हारा अभी तक मार्क नहीं मिला क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। ओह गॉड, आई होप मुझे गोल्ड कलर का मार्क मिले। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे गोल्ड मार्क मिले। गोल्ड का मतलब तो ये होता है ना कि हम फेमस हो जाएंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। तुम लोग को पता है कि एरियाना को गोल्ड कलर का मार्क मिला है? सच में? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम लोग को पता है कि लोगों को और भी कलर के मार्क मिल रहे हैं? दूसरे कलर्स मिल रहे हैं? तुम दोनों के कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब है कि और भी कलर्स के मार्क मिल रहे हैं। मतलब हमारे पास तो सिर्फ दो ही कलर है ना, गोल्ड और रेड। ओह माय गॉड, देखो उस लड़की को, उसके पास ब्लू कलर का मार्क है। ब्लू? ये तो बहुत अजीब है। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लू मार्क का मतलब रॉयल्टी होती है। क्या? एक सेकंड, जो तुमने बोला, क्या तुम दोबारा बोलोगी? मैंने बोला कि ब्लू मार्क का मतलब रॉयल्टी होती है, एंड आई गेस 10 ही लोगों के पास है ब्लू मार्क, आई गेस। हाँ, खैर वो सब छोड़ो, तुम्हें समझ में आया? हाँ, मुझे समझ में आ गया। वैसे तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही। तुम्हें पता, उन्होंने एक ब्लू मार्क वाले बंदे को ढूंढ लिया और वो दूसरे को ढूंढ रहे हैं। क्या ब्लू मार्क वाले सिर्फ दो हैं? हाँ, एक प्रिंस और एक प्रिंसेस। कितना रोमांटिक है। ओ हाँ, और शायद उन दोनों की शादी भी होगी। क्या तुम लोगों ने सुना क्या कि आज मार्क की चेकिंग होगी? क्या तुमने क्या बोला? ओह गॉड रिंकी, आज मार्क के कलर की चेकिंग होगी। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम रहती कहाँ पे हो? वो एक्चुअली मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे कोई मार्क मिले। और रिंकी ऐसा मत बोलो, हो सकता है कि दूसरा ब्लू मार्क तुम्ही को मिला और तुम ही प्रिंसेस हो। कुछ भी हो सकता है। माँ की चेकिंग के लिए लाइन लगाओ। क्या हुआ रिंकी, तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ, यहाँ पे कुछ ज्यादा गर्मी नहीं है। हाँ, ओके नेक्स्ट। हाय रिंकी। ओके, लेफ्ट मुड़ो, अब राइट मुड़ो। एक सेकेंड, तुम्हारा फाउंडेशन मेल्ट हो रहा है। नहीं तो जल्दी से हमें अपना मार्क दिखाओ। ओह ब्लू, अरे देखो तुमने ब्लू है, इसको जल्दी से अरेस्ट करो। हम तुम्हें कस्टडी में ले रहे हैं, ठीक है? लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने अपने मार्क का कलर हमें रिपोर्ट नहीं कराया, तुमने झूठ बोला सबसे। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस डर गई थी। मैं तुम्हें बता दूं कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है? अब तो मैं एक प्रिंसेस हूँ। हाँ, लेकिन तुम उससे पहले एक क्रिमिनल हो, तो चुपचाप यहीं बैठी रहो। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अपना मुंह बंद रखो। तुम प्रिंसेस बनने के लायक नहीं हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने अपने मार्क का कलर छुपाया। तुम तो एहसान फरामोश हो। ओके, अब से तुम यही रहोगी। मुझे यहाँ पे कितने दिन तक रहना पड़ेगा? क्या मैं अपना बेल नहीं करा सकती हूँ? तुम्हें प्रिंस को किस करना पड़ेगा? क्या ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं प्रिंसेस टियाना थोड़ी ना हूँ कि मैं एक फ्रॉक को किस करूंगी और वो प्रिंस में बदल जाएगा। क्या तुम हमारे प्रिंस को फ्रॉक बोलना चाहती हो? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। कुछ ऐसा करना होगा जिससे प्रिंस तुमसे प्यार करे, अदरवाइज तुम हमेशा हमेशा के लिए इस जेल के अंदर बंद रहोगी। सुनिए, क्या आप मुझे बताएंगे कि यहाँ से बाहर जाने का क्या कोई तरीका है? क्या तुम एक क्वीन से ऐसे बातें करती हो? आप क्वीन है? हाँ, मैं क्वीन हूँ, देखो इसे। ओह, आपके पास भी सेम ब्लू मार्क है। आपका नाम क्या है? लोग मुझे पागल क्वीन बुलाते हैं। पागल क्वीन? हाँ, और वो इसलिए क्योंकि मुझे भी तुम्हारी तरह प्रिंस को अपने प्यार के चंगुल में फंसाना था। तो आपने नहीं किया होगा, इसीलिए आज आप जेल में हैं। नहीं, मैंने किया था। हाँ? और प्रिंस ने अपना हाथ भी मुझे दिया था थामने को। कितना रोमांटिक है। लेकिन मैंने प्रिंस का हाथ काट लिया। क्या? हाँ, और इसीलिए उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। तो लाइफ इतना खराब है, इतना खराब है। अब पता चला इसको पागल क्वीन क्यों बुलाते थे। कहीं मैं भी तो इसकी तरह नहीं हो जाऊंगी। ब्लू मार्क, सुनो इधर आओ। हाँ? तुम्हें भी चलना होगा हमारे साथ। क्या? तुम भी उसकी उंगली काट के लाना। वो खाली हाथ बताना। मैं कितनी गंदी दिख रही हूँ? अपना मुंह बंद रखो। मैं प्यार में नहीं फंसा पाऊंगी। कितना बोल दिया ये। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मुझे देखेगा भी नहीं। चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ, चार्ली अभी आके तुमसे मिलेगा। चार्ली, ये कैसा नाम है, पहली बार सुन रही हूँ। कहाँ फंस गई? तुम कितनी ज्यादा गंदी दिख रही हो। क्या तुम चार्ली प्रिंस हो? मैं एक विच हूँ। वो पागल रानी सही बोल रही थी, मैं भी धीरे धीरे पागल हो गई हूँ। मुझे एक विच और प्रिंस एक साथ दिख रहा है। एक मिनट, मेरा नाम चार्ली है लेकिन मैं प्रिंस तो नहीं हूँ। क्या
एक सेकेंड, अब तो मैं और भी कंफ्यूज हो गई हूँ। मैं तुम्हारा यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा कलर चेंज कर दूंगा और तुम यहाँ से आराम से जा सकती हो। बहुत सिंपल है, तुम्हें मुझे अपना ब्लू मार्क देना होगा और उसके बदले मैं तुम्हें रेड मार्क दूंगा। रेड? लेकिन रेड मार्क का मतलब तुम्हें हमेशा एवरेज ही रह जाऊंगी। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन तुम फ्री भी तो हो जाओगी। क्या तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से प्यारी रॉयल्टी है? नहीं। चलो प्रिंस से मिलने की तुम्हारी बारी आ गई है, उठो चलो तुम्हें तैयार करना होगा। चलो मेरा बाल। अच्छी लग रही हो, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? एक्चुअली मुझे सांस नहीं आ रही, ये थोड़े छोटे साइज का है। छोटी साइज नहीं, तुम मोटी हो गई हो। चलो अब प्रिंस से मिलने का टाइम आ गया। हाँ। ओह माय गॉड। एक सेकेंड, लेकिन मुझे तो लगा था कि आज मैं प्रिंस से मिलने वाली हूँ। हाँ तुम जरूर मिलोगी प्रिंस से, लेकिन उसके लिए तुम्हें फोन चाहिए, ये लो। सीरियसली, अगर फोन पे ही बात करना था तो ये सब मेकअप की क्या जरूरत थी? चुप रहो, उनका कॉल आता ही होगा। लगता है यहाँ पे सब पागल है। तुमने कुछ बोला क्या? नहीं तो क्या बातें करोगी तुम, बोलो। कॉल आ गया। हाय प्रिंस। हेलो, मैं प्रिंस चार्मिंग बोल रहा हूँ। उसकी आंखें फोड़ दो। क्या क्या बोला? अरे नहीं नहीं, वो आपको नहीं बोल रही थी, सॉरी। ओके, वैसे मुझे बोलना था कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए तुमसे। मैं भी आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मिलने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट नहीं हो रही? मैं डेस्परेट नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या बोला? अरे नहीं नहीं, मैं वो आपको नहीं बोल रही थी। मैंने ये पहला कॉल इसीलिए तुम्हें किया था कि मैं मेक श्योर कर सकूं कि तुम्हें भी मेरी तरह मिलना है। हाँ, मेरी तरफ से भी हाँ है, मैं भी चाहती हूँ कि हम साथ में मिले, बातें करें, टाइम स्पेंड करें। ये भी मेरी तरह पागल है। चुप हो जाओ। हेलो, क्या बोला? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं बोल रही थी। एक सेकंड, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो मेरे जेल का कमरा ना, उसके जस्ट सामने एक कमरा है जिसमें पागल क्वीन रहती है। वो पूरी तरीके से पागल है, पागल है। दिन भर वो गाने गाती रहती है, मुझे सुनाती रहती है वो अजीब अजीब से गाने। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं उसके साथ रह रहे पागल हो जाऊंगी। लेकिन नहीं, मैं ऐसे थोड़ी ना पागल हो जाऊंगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। काट दिया। चार्ली। हेलो, तुमने मुझे बुलाया? हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कोई अच्छा सा सलूशन दो, क्योंकि जिस तरीके से फोन पे मेरी प्रिंस के साथ मीटिंग हुई है, उससे तो मुझे कभी नहीं लगता है कि वो मुझे प्रिंसेस बनाएंगे। खैर, तुम और भी मार्क ऐड कर सकती हो। क्या? हाँ, ऐसा नहीं कि सबके पास सिर्फ एक ही मार्क हो। ये देखो मेरा मार्क। ओ माय गॉड, तुम्हारे फेस पे तो 100 से भी ज्यादा मार्क है। इतने सारे मार्क तुम्हें कैसे मिले? लड़ाई करके तुम आसानी से मार्क पा सकती हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए करना मुश्किल होगा। एक सेकंड, तुम मुझे सबसे इजी सॉल्यूशन बताओ, ठीक है? हाँ, बता रहा हूँ, तुम किसी से मांग भी सकती हो, शायद वो तुम्हें दे दे। क्या? मैं किसी से मांग भी सकती हूँ? क्या तुम मुझे दोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हें पता भी है कि कितने मुश्किल से मुझे ये सारे मार्क मिले हैं, मुझे कितने चीजों से गुजरना पड़ा है? तुम इस क्वीन से क्यों नहीं मांगती? लेकिन नहीं, ये उसी पे काम करता जो इंसान पागल ना हो। स्विच की बात मान ली और तुम ये फेक मार्क लगा रही हो? नहीं, बस मैं ऐसे प्रिटेंड कर रही हूँ कि मेरे पास बहुत सारे मार्क हैं। वैसे क्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? नहीं। तो क्या अब बताऊं? बोलो। नहीं, ये सीक्रेट प्रिंस के बारे में है, तुम्हें जानकर अच्छा लगेगा। प्रिंस मेरा बेटा है। क्या? हाँ, वो मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ। प्रिंस मेरा बेटा है। तो आप उसे बताती क्यों नहीं है ताकि वो आपको यहाँ से निकाले? क्योंकि मैंने उसके बाप की उंगली काट ली थी और इसीलिए वो मुझसे गुस्सा है और उसने मुझे जेल में बंद कर दिया। ओके, तो अब आपको मुझे बताना होगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि प्रिंस को मुझसे प्यार हो। हाँ, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, लेकिन एक बात याद रखना, वो काफी ज्यादा गुस्सैल है, उसके अंदर काफी ज्यादा एटीट्यूड है। ब्लू मार्क वाली लड़की। हाँ। तुमसे कोई मिलने आया है? मुझसे मिलने कौन आया होगा? रिया तुम? ओ नो रिंकी, तुम्हारी कितनी बुरी हालत हो गई है। कहा मैं प्रिंसेस बनने वाली थी और मुझे चूहों के साथ सोना पड़ रहा है। इयू, मुझे चूहे बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे तुम्हारी बात सुनकर अपना ब्लू मार्क छिपाना ही नहीं चाहिए था। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। क्या? हाँ, सबको पता है कि ब्लू मार्क का मतलब रॉयल्टी होता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता था। क्या तुम्हें पता था? कम ऑन रिंकी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे नहीं पता था ब्लू मार्क का मतलब रॉयल्टी होता है? लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे तो लगा था कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। जब से कार्तिक को तुमने मुझसे छीना था, तब से मैं तुमसे नफरत करती थी। कार्तिक? लेकिन उस टाइम तो हम क्लास UKG में थे। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और देखो अब तुम जेल में कैसे सड़ रही हो। जब मैंने अपना बर्थडे केक तुम्हारे मुंह पे चला कर फेंका था, उससे तो अच्छा ही है ये सीन। क्या वो भी तुमने जानबूझ के किया था? बाय, सड़ती रहो। लगता है तुम्हारा नया दोस्त बनाने का टाइम आ गया। वैसे ये बहुत कमी नहीं थी। गार्ड,
कोई है यहाँ पे? क्या हुआ? मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से प्रिंस से बात करूँ। तुम्हें प्रिंस से अभी बात नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम बहुत अजीब लग रही हो। मैं भी फोन लेकर आता हूँ, ये लो। जो तुमसे चाहता है वो तुम्हें देना पड़ेगा, ताकि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें दे। समझ में आई बात रिंकी? अरे ठीक है, मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स। हेलो। हाँ रिंकी, आपकी मम्मी कुछ ज्यादा ही पागल है। अब मैं समझी कि आपने उनको यहाँ पे क्यों रखा है। क्या? ओह थैंक गॉड, किसी ने तो मुझे समझा। हाँ वो पागलों वाली हरकतें करती है बहुत बार। मैं आपकी बातों से बिल्कुल एग्री करती हूँ। एक्सक्यूज मी, वैसे क्या तुम मिलना चाहती हो? मतलब ऐसे कॉल पे नहीं, आमने सामने। हाँ क्यों नहीं, मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय। ठीक है। लेकिन अगर बात नहीं बनी तो? ओए ब्लू मार्क वाली, चलो टाइम आ गया है। कहाँ? प्रिंस से मिलने के लिए हमें तुम्हें रेडी करना होगा। उसकी उंगली काट के लाना। क्या तुम रेडी हो ताकि हम एक दूसरे को अपना मार्क दिखा सके? हाँ, लेकिन हम दोनों को तो ऑलरेडी पता है कि हम दोनों का मार्क ब्लू है। गॉड, मुझे पता है, लेकिन उससे मजा नहीं आएगा, समझे तुम? ठीक है। 3, 2, 1 ओ ब्लू। मैं बस मजाक कर रहा था, तुम्हें पता है मुझे प्रिंस बनना बिल्कुल भी नहीं पसंद है क्योंकि लोग तुम्हें यूज करते हैं जैसे। मतलब वो मतलब के लिए तुम्हारे साथ रहते हैं और मतलब के लिए तुमसे फ्रेंडशिप करते हैं। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, मैं यही बोलने वाला था। लेकिन प्रिंस आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? लाइक मेरी हरकतें, मुझे नहीं लगता कि मैं एक प्रिंसेस बनने के लायक हूँ। मुझे लगता है कि लोगों को दूसरा चांस मिलना चाहिए। ये तो काफी अच्छी बात है कि आप ऐसा सोचते हैं। मैं तुम्हें एक सेकंड चांस देना चाहता हूँ ताकि तुम खुद को प्रूव कर सको कि तुम एक क्वीन बनने के लायक हो। ठीक है, लेकिन कैसे? मैं चाहता हूँ कि तुम अपना मार्क मुझे दे दो। अपना मार्क? लेकिन इस तरीके से तो आपके पास सब कुछ होगा और मेरे पास कुछ भी नहीं। हाँ तुमने सही बोला, लेकिन उसके बदले तुम फ्री हो जाओगी। ठीक है। क्या सच में? हाँ। चलो यहाँ से चलते हैं, मेरा हाथ पकड़ो। गार्ड्स, मैंने इसको पकड़ के रखा, जल्दी से इसको अरेस्ट करो। हम बिना मार्क वाले लोगों से ऑर्डर नहीं लेते हैं। क्या बोला तुमने? मैं प्रिंस हूँ इडियट, मिरर में देखो अपना चेहरा। क्या इसे मेरा मार्क ले लिया? एटलीस्ट मुझे हॉस्पिटल तो लेके चलो, इसने मेरी उंगली काट ली। इसे लेकर चलो। अगर लोग मुझे पागल क्वीन बुलाते हैं तो मुझे उन्हें प्रूफ तो करना होगा ना कि मैं कितनी बड़ी पागल हूँ।